नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पूरू धवन और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किडनी फेलियर पेशेंट के अंदर हमें खून की कमी क्यों देखने को मिलती है, किस तरह से एक किडनी फेलियर पेशेंट की बॉडी के अंदर हम खून को बना सकते हैं और किडनी फेलियर पेशेंट को खून को बनाए रखने के लिए खाने पीने में क्या बदलाव करने चाहिए जिससे उसकी बॉडी में खून की कमी ना देखने को मिले। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले ये समझने में कि किडनी फेलियर पेशेंट की बॉडी में खून क्यों नहीं बन रहा, क्योंकि किडनी खराब हो रही है। अब किडनी खराब होने का खून के ना बनने से क्या रिलेशनशिप है, इसको अगर हम समझ जाएंगे तो उससे हम उसका ट्रीटमेंट भी आराम से समझ जाएंगे। एक नॉर्मल इंसान की बॉडी में किडनी बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रही होती है। वो ना सिर्फ खून को साफ करती है, गंदगी को बाहर निकालती है, बल्कि और भी बहुत सारे काम कर रही होती है, जैसे विटामिन डी को एक्टिवेट करना या फिर एरिथ्रोपोइटिन की सिक्रीशन करना। अभी ये एरिथ्रोपोइटिन क्या है? एरिथ्रोपोइटिन यानी ऐसा हॉर्मोन जो खून को बनने में हेल्प करता है। एक छोटे से एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। अगर आपको घर के अंदर चाय बनानी होती है तो दूध, पानी, चाय पत्ती, गैस, गैस का चूल्हा, आप सब चाहिए होता है। जब ये सारी चीज़ें इकट्ठी होती हैं तब जाके चाय बन पाती है, राइट? वैसे ही हमारी बॉडी के अंदर खून बनने के लिए बहुत सारी चीज़ें लगती हैं, चाहे वो B12 हो, आयरन हो, प्रोटीन हो, फॉलिक एसिड हो और एरिथ्रोपोइटिन। ये सब सारी चीज़ें आपस में मिलती हैं तब जाके हमारा खून बनता है। अगर इसमें से एक आइटम भी कम हो जाए तो खून बनेगा क्या? नहीं बनेगा ना। तो इसी में एक आइटम है एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन, जो कि हमारी किडनी रिलीज करती है। तो अगर आपकी किडनी को BP से नुकसान पहुंच रहा है, शुगर से नुकसान पहुंच रहा है और इस नुकसान की वजह से आपकी किडनी ने एरिथ्रोपोइटिन को बनाना कम कर दिया है, तो हमें क्या देखने को मिलता है कि शरीर के अंदर खून की कमी पैदा होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि एरिथ्रोपोइटिन आ नहीं रहा। हमारे शरीर में बाकी सारा सामान है बट एरिथ्रोपोइटिन की कमी की वजह से खून बन नहीं पा रहा। अब ऐसे में हम क्या कर सकते हैं? तो सबसे पहला काम एक किडनी फेलियर पेशेंट को ये करना चाहिए कि पहले अपना हीमोग्लोबिन चेक करवाए। अगर हीमोग्लोबिन का लेवल हमें 9 या 9 से नीचे देखने को मिल रहा है तो हम समझ जाते हैं कि पेशेंट की बॉडी में किडनी फेल होने की वजह से एरिथ्रोपोइटिन की रिक्वायरमेंट है। यानी हमें शरीर के अंदर क्या देना है? एरिथ्रोपोइटिन, क्योंकि बाकी सारा सामान ऑलरेडी शरीर के अंदर है। अभी एरिथ्रोपोइटिन हम उसको देते हैं इंजेक्टेबल फॉर्म्स में, जो कि अलग अलग नाम से मार्केट में अवेलेबल होता है। अब सवाल ये उठता है कि यहाँ पर खाने पीने का क्या रोल है? अब इसको अलग तरीके से समझने की कोशिश करना। अगर आपके शरीर में एरिथ्रोपोइटिन है, किडनी बना रही है, मगर खाने पीने में आपने कमी छोड़ रखी है, आप सिर्फ उबली हुई सब्जियां खा रहे हो, घिया तोरी टिंडा खा रहे हो, तो इन सारी डाइट के अंदर ना आयरन है, ना प्रोटीन है, ना फॉलिक एसिड है, ना B12 है, तो क्या होगा कि शरीर में फिर से हीमोग्लोबिन नहीं बनेगा। अब डॉक्टर को लगता है कि किडनी खराब होने की वजह से एरिथ्रोपोइटिन नहीं बन रहा, बट एक्चुअल में क्या है कि आप ढंग से खाना नहीं खा पा रहे, इस वजह से भी आपके शरीर में हीमोग्लोबिन नहीं बन रहा। तो एक किडनी फेलियर पेशेंट को क्या चाहिए कि अगर बॉडी में हम चाहते हैं कि हमारे शरीर में खून की कमी ना हो तो हमें खाने के पीने का भी ध्यान रखना है और साथ में एरिथ्रोपोइटिन का भी ध्यान रखना है। जब ये दोनों चीज़ें हमारे शरीर में ठीक से रहेंगी तो हमें खून बनाने में कोई दिक्कत नहीं होती, खून के जो हमारे लेवल्स हैं हीमोग्लोबिन के लेवल्स है वो नॉर्मल रेंज में बने रहते हैं। अब खाने पीने में हम ऐसा क्या करें कि हमारे शरीर के अंदर कोई कमी पैदा ना हो? तो बहुत सिंपल सा जवाब होता है कि अपने खाने को बैलेंस डाइट में रखो। अब ये बैलेंस डाइट क्या है समझना मुश्किल हो जाता है। अक्सर किडनी फेलियर पेशेंट एक छोटी सी गलती करते हुए देखने को मिलते हैं कि वो हर चीज़ को उबाल उबाल के खा रहे होते हैं। कोई सब्जी खानी है, घिया तोरी टिंडा, उसको भी उबालेंगे, पानी को फेंक देंगे, फिर उसको बना के खाएंगे। जब हम इस बॉइलिंग प्रोसेस करते हैं या लीच प्रोसेस करते हैं तो किसी भी चीज़ के अंदर जो भी ताकत होती है वो उस पानी में बाहर चली जाती है, वो आपकी बॉडी में नहीं जा पाती है, जिससे हमारे शरीर के अंदर न जाने कितने टाइप की डेफिशिएंसीज तैयार हो जाती हैं। तो पहला काम आप सभी ने क्या करना है कि अगर आप गलती से भी सब्जियों को उबाल उबाल के, ज़रूर से ज़्यादा उबाल कर उनका पानी फेंक कर ले रहे हो, तो पहला काम आप उसको बंद करो। ये आपने तब करना है जब आपका पोटेशियम बढ़ा हो। जब तक आपका पोटेशियम ना बढ़े तो सब्जियों को प्लीज़ लीच मत कीजिए, उन्हें ज़्यादा बॉयल करके पानी को मत फेंकिए। तो अगर हम ये करते हैं तो हमारे शरीर के अंदर जो मिनरल्स हैं वो जाएंगे, ठीक है। दूसरा चीज़, अब कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं हम जानते हैं कि जो हमारे शरीर के अंदर हीमोग्लोबिन को बढ़ाते हैं। अब अगर मान लो कि मेरे शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी होगी, मेरी किडनी ठीक है, तो मैं क्या करूँगा? मैं अनार खाऊँगा, मैं चुकंदर खाऊँगा, मैं खून बढ़ाने वाली चीज़ें लूँगा, है ना। तो हम ये एक किडनी फेलियर पेशेंट में भी कर सकते हैं। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, हम एक आयरन का सप्लीमेंट पेशेंट को देंगे।
अब आयरन का सप्लीमेंट दे दिया तो खाना तो है नहीं, ये तो दवाई हुई। तो हम खाने के अंदर अनार को यूज कर सकते हैं, मगर अनार देते समय हमने क्या ध्यान रखना है कि अनार में आयरन है, खून बढ़ाएगा, बस साथ में पोटेशियम भी बढ़ाएगा। और पोटेशियम अनार के किस हिस्से में होता है, वो उसके बीजों के अंदर होता है। अब कैसे अनार खाएं, तो आपने अनार लेना है, एक कटोरी अपना जो अनार होता है आप लीजिए, आप उसे मुंह में रखिए, उसको चलाइए तो जूस सारा आपके स्टमक में चला गया, जो बीज है उसको आप बाहर स्पिट कर दीजिए, बाहर फेंक दीजिए, तो क्या होगा कि आपके शरीर में खून बढ़ाने वाली चीज़ तो चली जाएगी बट पोटेशियम बढ़ाने वाली चीज़ नहीं जा पाएगी। तो इस तरह से आपने अनार का इंटेक करना होता है। अब सवाल होता है कि कितनी मात्रा में खा सकते हैं, तो एक किडनी फेलियर पेशेंट को हम एडवाइस करते हैं कि आप डेली बेसिस पे एक कटोरी अनार ले सकते हैं, और उसको भी किसी चीज़ का मिक्स करके लेना चाहिए, जैसे थोड़ा सा सेब मिक्स कर लिया, थोड़ा सा अनार ले लिया, थोड़ा सा पपीता ले लिया, उसके बाद थोड़ा सा अनार डाल लिया। इससे क्या होता है कि बैलेंस बना रहता है, पोटेशियम की मात्रा बढ़ने की चांसेस घट जाते हैं। अब चलते हैं चुकंदर के ऊपर, क्योंकि चुकंदर बड़ा फेमस है कि चुकंदर लेंगे खून आ जाएगा, ताकत आ जाएगी। चुकंदर का इस्तेमाल किडनी फेलियर पेशेंट को गलती से भी नहीं करना चाहिए, किसी भी फॉर्म में, ना उबाल कर, ना उसको काट के, ना कद्दूकस करके, ना उसका जूस, किसी भी फॉर्म में करने पे क्या होता है कि पोटेशियम की मात्रा बढ़ जाती है। क्योंकि कोई भी चीज़ जो भी ज़मीन से नीचे लगती है, चुकंदर ज़मीन के नीचे लगता है, उसके अंदर पोटेशियम की मात्रा ज़्यादा होती है। तो अगर कोई भी चीज़ में पोटेशियम जिसमें ज़्यादा है खाएंगे तो क्या होगा, हमारे शरीर के अंदर, हमारे ब्लड के अंदर पोटेशियम की मात्रा बढ़ जाएगी, हमारी किडनी ढंग से काम नहीं कर रही, उस पोटेशियम को बाहर फेंक नहीं पाएगी, और इस हाई पोटेशियम की वजह से पेशेंट को हार्ट अटैक आ सकता है। इस वजह से अनार खा सकते हैं, चुकंदर नहीं खा सकते, इस चीज़ का आप बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखेंगे। अब बहुत सारे पेशेंट ऐसे होते हैं, जब हम उनको कहते हैं कि आप अनार ले लो, इस तरह से ले लो, तो उनका अक्सर दूसरा सवाल ये होता है कि डॉक्टर साहब क्या मैं अनार का जूस ले सकता हूँ, तो इसका आंसर है नो। जब हम एक कटोरी अनार ले रहे हैं तो उसमें एक कटोरी अनार का पोटेशियम हमारे शरीर में जा रहा है, मगर जब हम एक कप अनार का जूस ले रहे हैं तो उसमें अनार है उसकी मात्रा ज़्यादा लगती है, तो उसमें दो तीन अनार के पोटेशियम हमारे शरीर में चला जाता है, तो हम अनार का जूस नहीं ले सकते क्योंकि इससे हमारे शरीर के अंदर पोटेशियम की मात्रा बढ़ने के चांसेस है। आप अनार को खाइए बट पिएंगे नहीं, इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। और वैसे भी जितने भी किडनी फेलियर के पेशेंट होते हैं, उन्हें हर टाइप के जूसेस बंद होते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप समझ गए कि जब हमारी किडनी ख़राब होती है तो हमारे शरीर में एक कंडीशन तैयार होती है जिसको हम एरिथ्रोपोइटिन की डेफिशिएंसी कहते हैं, कि आपके शरीर में एरिथ्रोपोइटिन नहीं बन पा रहा। अब इसको हम बाहर से लेंगे और खाने पीने को बैलेंस रखेंगे, रिच रखेंगे, और अगर हमें ज़रूरत है आयरन सप्लीमेंट को ऐड करने की, हम उस आयरन सप्लीमेंट को ऐड करते हुए खाने पीने को अच्छा रखेंगे, जिससे हमारे शरीर में खून के बनाने का कच्चा पदार्थ सारा का सारा पूरा शरीर में हो और हमारे शरीर में खून अच्छी तरीके से बनता रहे और हमें खून की कमी ना देखने को मिले। फिर भी आपके माइंड में कोई भी डाउट है, कुछ भी पूछना चाहते हैं, तो नीचे दिए नंबर पर कॉल कर आप डॉक्टर से बात कर सकते हैं, आप अपॉइंटमेंट लेके मुझसे भी आकर मिल सकते हैं। अब इसी के साथ आप सभी से मैं चलने की आग्रह चाहूँगा, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।